हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन अफगानी, जिसके लिए मैं चिकन ली हूँ आधा किलो, एक पीस प्याज ली हूँ, प्याज कट कर ली, इसको पीसना है। एक थोड़ी सा हाफ ऑफ चमची मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और एक चमची कसूरी मेथी, हरी मिर्च 6 पीस, धनिया पत्ती इसको भी रख ली हूँ पीसने के लिए, दही 1 कप ली हूँ, क्रीम ली हूँ फ्रेश क्रीम और तेल। अब मैं इसको प्याज, कोतमीर और ये पीस लेती हूँ मिर्ची। मैं इसको इसमें डालकर पीस लेती हूँ, साथ में प्याज भी इसको भी पीस लेती हूँ। अब सारे को पीस लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसको पीस ली हूँ। अब इसको इसमें डाल दूंगी। अब दही को भी मैं पीस लूंगी, एक बार दही को भी मैं एक बार चला ली। आप देख सकते हैं अब इसमें जो मैं मसाला निकाली हुई थी, मैं ये सारे मसाले को इसमें डाल दूंगी। अब इसमें कसूरी मेथी मैं ली हुई थी, कसूरी मेथी भी डाल दूंगी। ये फ्रेश क्रीम मैं ली थी, उसको भी इसमें मिक्स कर दूंगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते। इसको मैं 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। इसको 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ दे रही हूँ। फिर 20 मिनट के बाद, 20 मिनट मेरा हो गया है, अब मैं गैस ऑन कर दूंगी। कढ़ाई मेरा गरम हो चुका है, अब इसमें तेल डालूंगी। आप देख सकते हैं मेरा आधा घंटा हो चुका है मेरा। मैं 20 मिनट के लिए रखी थी, 20 मिनट से मैं ज़्यादा टाइम हो गया बताइए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब एक एक करके मैं इसमें डालूंगी चिकन।
इसको पलट लूँगी गोल्डन होने को इस तरफ में कलर आने लगा मेरे चिकन में। ये कलर आने लगा मेरे चिकन तरह में सारे को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह में सारे को फ्राई कर अब मेरा फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कलर आ गया। अब मेरा पूरा फ्राई हो गया। अब इसमें तेल डालूंगा। अब कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ। अब डालूंगी मैं लाल मिर्च। अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल दी हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसको इसका कलर आने दो। अब इसका कलर आ गया। अब इसमें डालूंगी मैं सारा मसाला बचा हुआ था फ्राई करने के बाद सारा ग्रेवी में बनाऊंगी। अभी मेरा हो गया इसमें ग्रेवी। अब इसी में चिकन डालने का जो मैं फ्राई की हुई थी, इसको बॉईल होने दे देती हूँ थोड़ी देर। को बनने लगा। अब इसमें जेब टिकन चिकन था सबको डालूंगे। इसी में डालूंगे सारे ग्रेवी में। अब इसमें कुछ भी नहीं, पानी नहीं डालना है। इसको कम स्लो फ्लेम पे गैस कम करके 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है ढककर। मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। मेरा ये तैयार हो गया। पाँच मिनट हो गया मेरी। अब मेरा पानी तैयार हो गया, देख सकते हैं। इसकी ग्रेवी माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। गैस में ऑफ कर दूंगी, कलर भी बहुत खूबसूरत है, कुछ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अगर आपको पसंद है मेरा रेसिपी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।